नूह में आज बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर अड़ी विश्व हिंदू परिषद। जिले की सीमा पर रोके गए बाहर से आने वाले संत। पूरे इलाके में धारा 144 लागू। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती। 25 राज्यों में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में परिषद की 26वीं बैठक। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा। आज होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं एजीएम। सीएमडी मुकेश अंबानी करेंगे संबोधित। बड़े फैसलों का हो सकता है ऐलान। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी। बारिश और चट्टानों के गिरने से अब 379 लोगों की मौत। 8,500 करोड़ से अधिक का नुकसान। यूक्रेन पर रूस के रात भर हुए हवाई हमलों ने मचाई तबाही। उत्तरी मध्य यूक्रेन में रूस का मिसाइल अटैक। 4 मिसाइलों को मार गिराने का यूक्रेन का दावा। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।